सो मैं करीब 6 साल से स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहा हूँ और एक क्वेश्चन मुझे सबसे ज़्यादा पुटअप किया गया है वो ये है कि हम स्ट्रीट फोटोग्राफी से किस तरीके से पैसा अर्न कर सकते। सो इसी क्वेश्चन का मैं आंसर करने वाला हूँ। मैं जो आंसर करूँगा वो कोई रिजिड नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो सब जगह अप्लाई होता है। मेरे साथ जो हुआ, मेरे जो एक्सपीरियंस थे, मैं उनको शेयर करूँगा आपके साथ, तो शायद वो आप पे भी अप्लाई हो जाए। हो सकता है वो कहीं वर्क कर सकते हैं, हो सकता है कहीं वर्क नहीं कर सकते हैं, बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो सर ये घड़ी बड़ी अच्छी लग रही है। हाँ यार, अभी ली थी बर्थडे पे मेरे। ये सब स्ट्रीट से लिया है? हाँ यार, ये तो पापा ने दिलाई है। वैसे शूज भी अच्छे लग रहे हैं यार। हाँ, ये बहन ने गिफ्ट किए थे बर्थडे पे। शर्ट यार ये तो एक दोस्त ने गिफ्ट करी है, अच्छी लग रही है ना, काफी रंग काफी सही लग रहा है। सर फिर आपने स्ट्रीट से क्या किया, आप वीडियो बनाने आए हो? यार ऐसे मत बोल, बहुत सारी चीजें खरी है मैंने स्ट्रीट से। देख अभी देख, ये दिखा मुझे, ये जो है तेरे पास, ये ला दिखा मुझे, ये देख, ये पूरा 150 रुपये में लिया मैंने एसएन मार्केट से। देख भाई, बहुत बहुत पैसा मिलता है यार स्ट्रीट फोटोग्राफी में। 6 साल से कर रहा हूँ और इतना पैसा कमा लिया है सच्ची में यार। मतलब मेरा थूक खत्म हो गया है लेकिन पैसे खत्म नहीं हो रहे। सो गाइस, ये सब तो होगी मजाक की बात, बट मैं सीरियसली बोलूँ तो वट एवर आई अर्न और जो भी मेरे साथ हुआ है, जो भी मेरी पूरी लाइफ चेंज हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रीट फोटोग्राफी हुई है, चाहे उसमें फाइनेंशियली हो, सोशली हो, चाहे मेंटली हो। हाँ, जब हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आप स्ट्रीट से पैसा कमा सकते हो। सबसे पहले मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आपको अपनी आर्ट फॉर्म को स्ट्रॉन्ग करना है जितना आप कर सकते हो, जितना उसे टाइम दे सकते हो। उस आर्ट फॉर्म के बारे में पढ़ना है, उसे प्रैक्टिस करनी है। जब मैं स्टार्टिंग में था तो मैंने करीब 3-4 साल सिर्फ आँख बंद करके स्ट्रीट फोटोग्राफी करी है, ठीक है। उस टाइम पे मैं ज़्यादा खर्च नहीं करता था, मेरे पास एक ही कैमरा था, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, फूड, मैं सब कुछ बहुत मैनेज करके खर्च करता था। तो सबसे पहले आपको अपनी आर्ट फॉर्म पे पैसा खर्च करना है, अपने आर्ट फॉर्म को स्ट्रॉन्ग बनाना है। जब आपकी आर्ट फॉर्म स्ट्रॉन्ग हो जाएगी उसके बाद आपको वर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो क्या क्या वर्क मिल सकता है तो मैं आपको ये बताता हूँ। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, ठीक है, आपने स्ट्रीट फोटोग्राफी करी, आप अपने सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाइए, वहाँ पे अपना आर्ट फॉर्म शो कीजिए। आज के टाइम में बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो सोशल मीडिया पे काम देख रही हैं और बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स भी हैं जिनको काम देख के वर्क भी मिलता है। तो मेरे को भी ऐसे वर्क मिला, मेरे सोशल मीडिया का वर्क देख के ही मैंने पेटीएम के लिए भी शूट किया है और भी कई सारी कॉमर्शियल ब्रांड्स के लिए शूट किया है। जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्ट्रीट वर्क से ही मुझे वो मिला, क्योंकि मेरा स्ट्रीट में कंपोजिशन या चीज़ें देख के उन्हें समझ में आया कि हाँ, इस बंदे में सेंस है, इसे आता है। मैं वेडिंग भी करता हूँ, मैं पोर्ट्रेट शूट भी करता हूँ, मैं प्री वेडिंग भी करता हूँ, मैं बहुत सारे अलग अलग जॉनर्स करता हूँ, बट मैं वो कभी दिखाता नहीं हूँ। मैं दिखाता सिर्फ अपनी स्ट्रीट फोटोग्राफी हूँ। बट आपकी जो स्ट्रीट फोटोग्राफी है वो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो और जॉनर्स हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग कर देगी, आपको कैमरे का सेंस समझ में आ जाएगा। तो ये पर्टिकुलरली आप कभी भी स्ट्रीट से डायरेक्टली पैसा नहीं कमाओगे, बट आप इनडायरेक्टली कमाओगे। और जो मेरा मेजर पैसा आया है, जो चीज़ें आई हैं मेरे को, आप कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन होते हैं इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन जिनमें आप जीतते हैं। जब मैं जीता था ब्रसल्स में तो आई गॉट राउंड 1500 यूरोज मुझे मिले थे, ठीक है। बट ऐसा सबके साथ नहीं होता है, बहुत ही बाई चांस वाली चीज़ें थी, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा लक भी वर्क करता है। दूसरी चीज़, आप मैगज़ीन को अप्रोच कर सकते हैं किसी भी, कि हाँ मैं आपके लिए ये आर्टिकल कर रहा हूँ, और आप मतलब पेड बेसिस पे उनको बात कर सकते हैं। तीसरा, आप स्ट्रीट फोटोग्राफी अगर करते हैं तो आप अपनी फ़ोटो सेल कर सकते हैं वेबसाइट जैसे शटरस्टॉक है, वहाँ पे आप अपनी फोटोग्राफ डाल सकते हैं। वहाँ पे एडिटोरियल जो डिपार्टमेंट है उनका, जो एडिटोरियल वाला कंटेंट है उसमें आप डाल सकते हैं, ठीक है। और जो चौथी चीज़ है जहाँ से आप पैसा अर्न कर सकते हैं वो है जब आप एक टाइम पे बहुत सारा काम क्रिएट कर देते हैं, आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, आपका अच्छा खासा नाम बन रहा है, आप सोशल मीडिया पे सब जगह, तो आप 1-on-1 वर्कशॉप ले सकते हैं। आप कहीं पे सेमिनार कर रहे हैं या फिर कहीं पे वर्कशॉप ले रहे हैं तो आप उसका भी, आप उससे भी पैसा अर्न कर सकते हैं। तो मैं 1-on-1 वर्कशॉप से भी पैसा लेता हूँ, मुझे मिलता है, और मैं कहीं पे सेशन करने जाता हूँ तो मुझे वहाँ से भी पैसा मिलता है। और आज के टाइम पे बहुत सारी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो फोटोग्राफर्स को ढूंढ रही हैं, वो फोटोग्राफी टीचर्स को ढूंढ रही हैं जो ना ही बहुत ज़्यादा फुल फ्लैश्ड हो, यानी कि फुल फ्लैश मतलब स्टूडियो हो, जिनके पास ऐसा कुछ उनको नहीं चाहिए। उनको बेसिकली चाहिए कि उनके पास एक ऐसा टीचर हो जो अच्छे से पढ़ा सके और जिसने काम किया हो, जिसको नॉलेज हो। और मेरे को ऐसा लगता है आज के टाइम पे जो स्ट्रीट फोटोग्राफर्स हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो बहुत सारी ऐसी ब्रांड हैं, बहुत सारी मोबाइल की हो या फिर पर्टिकुलर कैमरे की हो, वो उन स्ट्रीट फोटोग्राफर्स को अप्रोच करती हैं कि आप हमारे मोबाइल की फ़ोटोग्राफ लीजिए इंटरेस्टिंग वे में। तो इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें जो मैं बोलूँगा कि एक कोर है वो ये है कि आप काम करते रहिए, अपने स्किल को शार्प करते रहिए, सोशल मीडिया को यूज़ कीजिए उस तरीके से कि आपके पास ब्रांड आ सके
और अपने माइंड को ओपन रखिए कि आपको जहाँ से भी तरीका मिलता है, जो भी तरीका मिलता है पैसे कमाने का, आप उसको एक्सेप्ट करें और देखें कि मैं अपने आर्ट को, अपनी स्ट्रीट को इसमें कैसे फिक्स करके इसको और इम्प्रूव कर सकता हूँ। और तो इस तरीके से आप पैसा अर्न कर सकते हैं मल्टीपल वे से। कि स्टार्टिंग में ऐसा मत करना, एक साल आपने स्ट्रीट फोटोग्राफी करी, अरे मुझे पैसा नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। स्ट्रीट को आप बाय साइड रखो, उसके अलावा आप कोई और जॉनर भी कर सकते हो। स्ट्रीट आपकी सोल की भूख जो पूरी करेगा, बट पेट की उतनी नहीं कर पाएगा, कर पाएगा बट एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद। बट उतना आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको उतना काम करना पड़ेगा। तो अपना काम करो, कम से कम मैं बोलूँगा कि किसी भी प्रोफेशन में आँख बंद करके 5 साल लगा दो, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि आप उससे अर्न करवा रहे हो नहीं कर पा रहे। यार जब आप किसी कॉलेज में जाते हो ना, तो 3 साल उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो या 5 साल आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, उसके बाद आपको जॉब लगती है, उसके बाद आप धीरे 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 उस इन्वेस्ट का रिटर्न आपको मिलना स्टार्ट होता है। बट फोटोग्राफर्स क्या करते हैं, 2 महीने नहीं हुए, 1 साल नहीं हुआ, अरे हमें पैसा नहीं मिल रहा। ऐसे नहीं होता भाई, मैगी नहीं है कि 2 मिनट में बनाई बन जाएगी, टाइम लगता है, इट्स ए प्रोसेस। तो प्रोसेस को एंजॉय करो, अपनी आर्ट स्किल को इम्प्रूव करो। धीरे धीरे जैसे जैसे तुम्हारा आर्ट इम्प्रूव होगा, तुम्हारा जो मार्केट रेट है वो इम्प्रूव होता जाएगा, तुम्हारा स्किल इम्प्रूव होता जाएगा और लोग तुम्हें खुद फाइंड कर लेंगे।